हेलो दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज के इस वीडियो में हम श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड का 11वां अध्याय सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय, शिव पूजन की विधि तथा फल प्राप्ति। ऋषि गण बोले, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा कर हमें ब्रह्मा जी व नारद के संवादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बताइए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से जो सुना हो कृपा हमें भी बताइए। महर्षियों के ये वचन सुनकर सूत जी ने ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहना आरंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसे आपने पूछा है वह बड़े रहस्य की बात है। मैंने इसे जैसे सुना है उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुना रहा हूँ। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही प्रश्न किया था, फिर अपमन्यु जी ने भी इसे सुना था और इसे भगवान श्री कृष्ण को सुनाया था। वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है तथा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली है। यह दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु द्वारा दी गई पीड़ा का नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता और उनकी शरण में नहीं जाता, तब तक ही उसे दरिद्रता, दुख, रोग और शत्रु जनित पीड़ा, ये चारों प्रकार के पाप दुखी करते हैं। भगवान शिव की पूजा करते ही ये दुख समाप्त हो जाते हैं और अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है। वह सभी भोगों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिवजी का पूजन करने वालों को धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को सभी कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विधि अनुसार पूजा उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु एवं शिष्य का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें, फिर मेरा स्मरण चिंतन करके स्रोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाएं तथा मूल मंत्र त्याग कर ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उनमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार यही कर्म करें। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। स्त्रियों को भी इसी प्रकार कर्म करते हुए शुद्ध मिट्टी से हाथ पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण को 12 उंगल, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 10 उंगल और शूद्र को 9 उंगल की दातुन करनी चाहिए। षष्ठी अमावस्या, नवमी, व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार और श्राद्ध के दिन दातुन ना करें। दातुन के पश्चात जलाशय में जाकर स्नान करें तथा विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करें, फिर एकांत स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक संध्या करें तथा इसके उपरांत विधि विधान से
शिव पूजन का कार्य आरंभ करें। तदुपरांत मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें तथा आसन पर बैठें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, उसके उपरांत शिव जी की उपासना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करते समय त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें। महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और जिनकी स्फटिक के समान उज्जवल कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे बाघम्बर बांधे हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से शिवजी का पूजन आरंभ करें। पाद्य, अर्ध और आचमन के लिए पात्रों का तैयार करें। 9 कलश स्थापित करें तथा उन्हें कुशाओं से ढककर रखें। कुशाओं से जल लेकर ही सबको प्रक्षालन करें। तत्पश्चात सभी कलशों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को पाद्य मात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल का चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालें। देवाधिदेव महादेव जी के सामने नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप और दीपों द्वारा भगवान शिव की आराधना आरंभ करें। सधो जात है प्रपध्यामी मंत्र से शिवजी का आह्वान करें। ओम वासुदेवाय नमः द्वारा भगवान महेश्वर को आसन पर स्थापित करें। फिर ईशान है सर्व विद्या नामः मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित कर अर्घ दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिले हुए जल से भगवान शिव को विधि पूर्वक स्नान कराएं। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं। पंचामृत के 5 तत्व दूध, दही, शहद, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर महादेव जी के प्रणव मंत्र को बोलते हुए उनका अभिषेक करें। जल पात्रों में शुद्ध व शीतल जल लें। सर्वप्रथम महादेव जी के लिंग पर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफेद कनेर, बेला, कमल और उत्पल पुष्पों एवं चंदन को चढ़ाकर पूजा करें। उन पर अनवरत जल की धारा गिरने की भी व्यवस्था करें। जल से भरे पात्रों से महेश्वर को नहलाएं। मंत्रों से भी पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाली है। पावमान मंत्र, रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र, पुरुष स्कुत, श्री स्कुत, अथर्व शीर्ष मंत्र, शांति मंत्र, भारुणीय मंत्र, स्थानंत्र, साम मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र एवं पंचाक्षर मंत्रों से पूजन करें। शिवलिंग पर 1000 या 100 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। स्फटिक के समान निर्मल, अविनाशी, सर्वलोकमीय परम देव जो आरंभ और अंत से हीन तथा रोगियों के औषधि के समान हैं, जिन्हें शिव के नाम से पहचाना जाता है, वह जो शिवलिंग के रूप में विख्यात हैं, उन भगवान शिव के मस्तक पर दूध, दही, नैवेद्य और तांबुल आदि मंत्रों द्वारा अर्पित करें। और अर्घ देकर भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करें। फिर महेश्वर को प्रणाम कर आत्मा से शिवजी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में फूल लें। भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए कहें, हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप तप पूजा आदि सत्कर्म किए हों, आपकी कृपा से वे सफल हों, हर्षित
मन से शिवजी को फूल अर्पित करें, सविस्त वाचन कर अनेक आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो और शिव ही मेरे शरण दाता हूँ। इस प्रकार परम भक्ति से उनका पूजन करें, फिर सह परिवार भगवान को नमस्कार करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके सभी रोग, दुख, दर्द और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से मनुष्य में सद्गुणों की वृद्धि होती है। यह सब जानकर नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हुए बोले कि आपने मुझ पर कृपा कर मुझे शिव पूजन की अमृत विधि बताई है। शिव भक्ति समस्त भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ओम नमः शिवाय। आज के इस अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।